सो नमस्ते एवरीवन, कैसे हो यार आप सब। सो हमने देखा था कि मैम जो होती है ना उसको बोल दी कि अच्छा ठीक है आप चले जाना वॉशरूम में, चेंज करके आ जाना, ऊपर मैं आपका वेट कर रही हूँ। उसके आगे देखते हैं गाइस क्या होगा। शुभ जाती है वॉशरूम एरिया में, चेंज करती है एंड बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को बोलती क्या यार आज का दिन कुछ ज़्यादा ही बीत गया। और यहाँ पर मैम जो होती है ना सबको फिर बोलते हैं कि बच्चों तुम ज़्यादा शोर मत मचाना क्योंकि ऊपर की आवाज़ नीचे तक जाती है, और ऊपर अगर मैम आ गई फिर तुम्हारी खैर है, उस तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फिर बैंड बज जाएंगे। सो प्लीज़ ज़्यादा शोर शराबा मत करो और वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही रखना। सब बोलते थे ठीक है। फिर यहाँ पर अम्मू जो होते हैं ना उसको पता होता है कि यार शुभ तो थोड़ा लेट आएंगे, तो अम्मू जो होते बोलते अच्छा ठीक है ना तुम लोगों ने तो कुछ प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ना, एक काम करते हम कुछ तुमको ना स्टेप वगैरह सिखा देते जिसकी वजह से तुम थोड़ा परफॉर्म भी कर लो एंड तुम थोड़ा सा ना अपने आप को भी ये कर लो एंड मैम के सामने जब तुम परफॉर्म करो तो तुमको ज़्यादा परेशानी ना आए। तो अम्मू बोलते अच्छा ठीक है। सब लोग जो होते हैं उसने अपने भी क्लास के मंगाए होते हैं बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स एंड जो 10B के भी होते हैं ना उनको भी बुलाया होता है, 9th से भी कुछ कुछ लोग आए होते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं। सबको एक हॉल में, एक बड़े से हॉल में ना वो एक के पीछे रखती हैं और खुद सामने होते हैं, खुद जो होते हैं स्टेप कर रही होती है, डांस स्टार्ट कर देती है, बताना सिखा देती है कैसे ऐसे करना है आपको, इसके बाद ये वाली स्टेप करना, खुद करके भी बता रही होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं जो मैम जो होते हैं ना वो चेयर पर बैठ के अम्मू को देख रही होती है, बस इंतज़ार कर रही होती है शुभ कब आएंगी। और यहाँ पर शुभ भी बोलते हैं ना फिर आ जाते हैं कुछ समय के बाद। शुभ जो होते हैं ना फिर पीछे वाले गेट से आती है तो मैम की नज़र जाती नहीं है। मैम जो होती है ना वो बस सामने वाले गेट पे भी इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन यहाँ शुभ जो होते ना बैग वाली गेट से आके पीछे में जो होते ना सबको देख रही होती है कि सबके पैर वेर सही से चल रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर जो शुभ जो होते ना क्योंकि बहुत मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इसकी वजह से मैम का नज़र जा रही नहीं होती पीछे साइड में। और शुभ जो होते ना बैक साइड में जो भी बच्चे होते ना उनको सिखा रही होती है, अरे तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम थोड़ी सी अपनी कमर ज़्यादा हिला लो यार, तुमको उसको हिलाना नहीं आता, तो ऐसा कुछ बोल रही होती क्योंकि वो बहुत है ना। आपको पता है बॉलीवुड सॉन्ग कैसे होता है ना, जब तक आपकी कमर नहीं हिलती आपको डांस अच्छा नहीं आता, वही बोलते हैं ना, तो वही है। तो सब वो सब पीछे से सिखा रही होती है, सामने से अम्मू उसको ट्रेनिंग दे रही होती है। अम्मू जो होती है ना स्टेज पे होते हैं, सभी बच्चे जो नीचे होते हैं, और यहाँ पर अम्मू जो होते हैं पीछे से देख लेती है कि शुभ आई, उसको भी अच्छा लगता है कि चलो जी आके शुभ। तो एक होता है ना फ्रेंड आ गई होती है तो उसको भी रिलीफ लगता है कि चलो अब शुभ आ गई तो सब संभाल लेंगे। शुभ पीछे से गाइड कर रही होती है और अम्मू सामने से गाइड करी थी। और यहाँ पर देखते देखते लोग जो होता है ना एक घंटा ऐसा बीत गया होता है, और यहाँ पर शुभ के नहीं आने से ना मैम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है। मैम को ऐसा लगता है कि क्या हो गया, एक घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। मैम जो होती है ना कॉरिडोर में देखती है, वहाँ पर हज़ार बार देखती है, वहाँ से जाती है एंड अपनी जो होता है ना अपस्टेयर पर देखती कि कहीं वहाँ तो नहीं बैठ के ना, तो देखती कि वहाँ पर तो कोई नहीं। फिर मैम बोलती क्या हो गया, अरे लड़की आई नहीं है। फिर जो होते ना फिर हमारी जो मैम होते ना मैथ्स वाली फिर हॉल में आती, फिर वो हमारी शुभ को है ना पूछने के लिए ना वो फिर एक काम सोचती है कि चलो मैं श्रुति को भेजती हूँ वॉशरूम एरिया में। श्रुति को बुलाती है, श्रुति बोलती है अच्छा ठीक है मैम क्या हो गया, आपने क्यों बुलाया मुझे। तो मैम बोलती है अरे यार अभी तक शुभ नहीं आई, तुम जाके देखो कहीं वो वॉशरूम में तो कहीं उसको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो हमारी श्रुति बोलती है मैम वो तो आई है कब से। तो हमारी मैम बोलती है क्या मतलब, मैं तो जब से उसका वेट कर रही हूँ तो अभी तक नहीं आई। तो फिर हमारी श्रुति बोलती है मैम वो तो पीछे में जब से बच्चों को सिखा रही है एक घंटा हो गया वो आई है। तो मैम बोलती क्या एक घंटा हो गया, मैं तो उसका जब से वेट कर रही हूँ, कहाँ है वो बताओ मुझे। तो श्रुति जो होते हैं ना वो अपनी फिंगर करती है देखो वहाँ पर है। तो मैम जब देखते हैं तो उसको रिलीफ लगता है कि शुभ जो होते हैं ना एक बच्चे को स्टेप सिखा रही होती है। जैसे हमारी जो शुभ का फेस देखते हैं मैम उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यार, पहले तो गुस्सा आती है लेकिन जब शुभ को देखती है ना उसका डांस देखती सिखाना देखती है तो उसका सब कुछ जो होता है ना गुस्सा वगैरह सब चले गया होता है। फिर यहाँ पर हमारी मैम को तो रिलीफ मिल जाता है उसको देखने के बाद। फिर हम वो बोलते अच्छा ठीक है ना यार एक और बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है मैं सॉन्ग लगाती हूँ आप लोग ना मेरे को ना कॉपी करना, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो शुभ जो होती है ना पीछे से सबको सुन रही होती है, उसको भी अच्छा लग रहा था कि यार अम्मू सबको गाइड कर रही है ना। तो यहाँ पर देखते कि मैम जो होती है ना फिर वो सामने से तो नहीं जाती लेकिन वो जो कॉरिडोर वाले रास्ते से होता है ना जो बहुत बड़ा हॉल होता है तो वहाँ से जाती है। और जैसे अम्मू ने सॉन्ग स्टार्ट कर दिया था सब लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैम उठती है कॉरिडोर से चलती है एंड पीछे वाले रास्ते से ना हमारी शुभ के साथ पीछे जाके खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर हमारी शुभ जो होती है ना देखती कि मैम आई तो मैम को वो विश करती है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तो होती है इसकी वजह से वो सामने जा नहीं रही होती। गाइस मेन रीज़न तो उसका वही था कि यार मैं शर्म आ रही और मैम को कैसे मैं ना आँखें मिलाऊँ, तो उसकी वजह से वो शर्म के मारे पीछे थी एक दो घंटे से। लेकिन यहाँ क्या करें मैम की इच्छा जा नहीं रही थी ना, इसकी वजह से मैम को भी आके फिर देखना ही पड़ता है उसको, इसलिए उसके साथ खड़ी हो जाती क्योंकि मैम के सुकून तो उसके पास ही था ना शुभ के साथ ही। इसकी वजह से हमारी जो मैम जो होती चल जाती है शुभ के साथ। और यार शुभ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल वे में स्माइल करते हुए में थोड़ा सा आँखें चुराते हुए एंड थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए ना
डांस कर रही होती, सिखा रही होती, और शुभ को ऐसा देखते हुए ना मैम को बहुत अच्छा लग रहा होता है। शुभ वो सिखा रही होती, स्टेप सिखा रही होती, साथ में उनके फ्रेंड के साथ जाके लगती है और बोलती है अरे यार तुम्हारा पैर ठीक नहीं है, ऐसा करो ऐसा करो, तो मैम को भी बहुत सारी चीज़ें सही लगती है यार कि क्या बनती है ना, बहुत सही है इसमें मतलब बहुत ही अच्छे वे में सिखा रही होती है, बहुत ही मतलब तरीके से सिखा रही होती है। पहले मैम को तो उतना कुछ पता नहीं होता डांस के बारे में, लेकिन लेकिन जैसे जैसे शुभ का डांस देखे होते हैं तो उसको भी दीवानगी आ गई होती है शुभ के डांस की वजह से। और यह देखते कुछ समय के बाद में, देखते देखते इनका प्रैक्टिस का समय चालू रहता और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आ भी जाता है। गाइस आई एम सो सॉरी गाइस, ये शोर आ रहा है, सुबह सुबह काम धंधा नहीं इन लोगों को सही में यार, जब सोना नहीं आता यार इन लोगों को, सो प्लीज़ माफ़ कर देना। देखते कि हमारा जो होता है ना लंच की ब्रेक हो गई होती है, सब लोग जो होते हैं बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, अम्मू बहुत सिखा लिया यार कुछ खाने तो दे, अभी बहुत भूख लग रही है, तो अम्मू बोलते हैं अच्छा ठीक है यार तुम भी चल जाओ, और हम भी चल जाते हैं, उनको भी भूख लगी, तो सब बच्चे जो होते हैं ना भाग जाते हैं ना अपने अपने क्लास की तरफ। और यहाँ पर मैम जो होती है बोलते अच्छा ठीक है बच्चों तुम भी चल जाओ, मैं भी ना स्टाफ रूम में जाती हूँ, जब से स्टाफ रूम में गई नहीं, तो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं ना मैम के साथ साथ है ना चलते हैं। हमारे शुभ भी होते हैं ना, बट मैम के साइड में नहीं चल रही होती, मैम के साइड में श्रुति चल रही होती, और थोड़ा सा अम्मू जो होती है ना वो फिर बोलती है क्या हो गया शुभ तो ज़्यादा वियर्ड बिहेव नहीं कर रही मैम के साथ में, तो मैम बोलती हाँ वियर्ड बिहेव नहीं करूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं सुबह में क्या हो गया था, ऐसे कैसे ना वियर्ड बिहेव करूँ यार, मुझे शर्म आ रही है बेचारी मैम सोच रही होंगी मेरे बारे में, कैसे नज़र मिला हूँ मैं उनसे, मुझे कितनी शर्म आ रही तुझे मैं बता नहीं सकती, इडियट तेरी वजह से सब कुछ हो गया। तो अम्मू बोले अच्छा ठीक है आई एम सॉरी यार क्या हो गया यार, वो भी तो एक लड़की है ना, तो जो दिन तेरे में आया कभी कभी वो भी ऐसा कुछ फील किए होंगे, तो टेंशन ना लेना, तब क्यों भी हाइपर हो रही, तो मैम जो होती है ना वो सबको सुन रही होती है बट रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो शुभ बोलती पागल इंसान रिएक्ट की बच्ची, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा तूने तमाशा लगा दिया, सुबह सुबह इतना बड़ा सब कुछ हो गया फिर भी बोलती है रिएक्ट मत कर, ऐसी किसी लड़की यार तू सच्ची बताया क्या खा के तुझे आंटी जी ने पैदा किया। तो अम्मू बोलती पता नहीं यार क्या खाया था क्या, ये मैं इतनी समझदार इंसान पैदा हो गई इतनी इंटेलिजेंस, तो है ना शुभ बोलती हाँ ठीक है बस 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 और ज़्यादा तारीफ मत करना। तो अम्मू बोलती अच्छा जी मर जाएंगी मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। तो हमारी जो मैम बोलती है ऐसे मरने मरने की बात नहीं करनी चाहिए, तो शुभ जो होती है एकदम चुप हो जाती है, तो मैम बोलती वैसे आई एम सॉरी मैंने आपकी बात सुनी लेकिन यार ये प्लीज़ मरने की बात नहीं करना चाहिए ठीक है ना। तो शुभ जो होती है उस समय सॉरी बोलती है कि अच्छा ठीक है मैम सो सॉरी, तो हमारी मैम बोलती हाँ लेकिन आइंदा से ध्यान रखो, ऐसे नेगेटिविटी बात नहीं करते। और यहाँ पर देखते कि मैम का जो स्टाफ रूम जो होता है ना वो भी आ जाता है, फिर मैम जो होती चल जाती है, फिर हमारी शुभ की तरफ देखती है, शुभ फिर भी नहीं देखती है, तो हमारी जो मैम जो होती है ना फिर शुभ को फिर हाथ पकड़ती, सब लोग जो होते हैं ना अपने ध्यान में होते, शुभ उनकी साइड से जाती है ना, मतलब मैम उनकी साइड से जाती है, तो शुभ को हाथ पकड़ती और बोलती है डोंट वरी टेंशन ना लो ठीक है, जो कुछ भी हो गया सुबह में उसको भूल जाओ, तो ऐसा बोल के स्माइल करते और चल जाते हैं अपने स्टाफ रूम में। यहाँ पर जो शुभ जो होती है ना वो शॉक हो जाती है कि यार ये क्या था ये क्या हो गया, दो मिनट के अंदर कुछ अलग ही सा ना मैम का एक अलग सा चेहरा दिखा हमारे शुभ को, लेकिन यहाँ शुभ जो होती है ना थोड़ा बहुत तो भी हिचकिचा रही होती है, लेकिन वहाँ पर चलते कि वो चल जाते अपने क्लासरूम में। सब लोग जो होते हैं ना डांस करके बहुत बुरी तरह से थक चुके होते हैं, क्योंकि किसी के भी हाथ पैर इतने ना बार कभी नचे नहीं होंगे जितने आज है ना हमारी अम्मू ने उसको उनको नचा लिया होता है। और यहाँ पर सब लोग जो होते हैं ना अपने टूटे फूटे हाथ से ना टिफिन निकालते, सब लोग खा रहे होते हैं, यहाँ पर अम्मू भी चल जाती है बोलते चलो यार भूख लगी, ये लोग भी फिर टिफिन खाते हैं, हमारे शुभ भी खाती है क्योंकि बहुत भूख लग रही होती है इतना नाचने के बाद। और यहाँ पर जैसे इनका ना ब्रेकफास्ट खत्म होता है सॉरी लंच खत्म होता है, तो वैसे हमारे प्रिंसिपल मैम की अनाउंसमेंट होती है, तो सब लोग बोलते हैं अरे शिट यार ये उन्होंने चुड़ैल कभी खाने नहीं देंगी सही में, उसको काम धंधा नहीं रहता कि यार बच्चों का जीना हराम करती है। तो यहाँ पर हमारी जो सब लोग जो होते हैं सब शांत हो जाते हैं, जैसे हमारी मैम की आवाज़ सुनते हैं तो सब लोग को पता चलता है कि अभी जो मैम ने जो सुबह में अनाउंसमेंट करी थी उसी की अनाउंसमेंट, यानी वो बोल रही थी कि लंच के बाद मुझे सब लोग जो बच्चे जो आज परफॉर्म करने वाले हैं उनकी लिस्ट चाहिए एंड सब लोग को आज के आज सेलेक्ट करना है, शुभ तो मुझे दो मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में चाहिए, ऐसा बोलती तो हमारी शुभ की टाइट टाइट फिश कि यार ये क्या ये यार क्यों मेरा जीना हराम कर रही। और जो है पर जो मैम जो होती है ना बोलती है शुभ अभी के अभी मेरे को दो मिनट में तुम मेरे कैबिन में चाहिए और आज के आज सब कुछ फाइनल करना है, अगर तुमने नहीं किया फिर देख लेना मैंने तुम्हें डांस से निकाल देना, इतनी बड़ी बात बोल देती। तो हमारी मैथ्स वाली मैम भी स्टाफ रूम में जब सुनती है तो उसकी भी हार्ट बीट इतनी ज़ोरों से मतलब इतने ज़ोरों से बढ़ रही होती कि यार बहुत ही ज़्यादा, तो उसको भी बहुत ज़्यादा फील मतलब लग गया होता है कि यार ऐसा क्यों बोला मैम, उसको भी थोड़ी बहुत है ना शुभ से बहुत ज़्यादा
ज़्यादा अटैचमेंट हो गई होती है, उसकी कोई भी बात हो रही होती है ना तो मैम की ना बीपी बढ़ रही होती है। और यहाँ पर मैम जो होती है ना भाग के आती है कॉरिडोर में, फिर देखती है कि शुभू निकली तो नहीं। मैम जो होती है ना फिर हमारी शुभू को मतलब शुभू के क्लासरूम में भागती है, वैसी हालत में भागती है, ना ही उन्होंने अपना टिफ़िन पूरा किया था, वैसे टिफ़िन को पैक भी नहीं करती, वैसे वो शुभू के पास भागती है। और शुभू यहाँ पर बेचारी टिफ़िन खा ही रही होती है कि मैम का बुलावा आ गया, तो बोलती यार ये सही में कभी कुछ जीने ही नहीं देता मुझे यहाँ पर, तो डांस करके नहीं ब्रेकफास्ट कर रही होंगी, नहीं इनके कैबिन में जाके इनको शक्ल दिखा दो पहले अपनी। तो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो बोलते अच्छा ठीक है ना यार, 2 मिनट का समय दिया, प्लीज़ ज़्यादा भूल मत, जा हैंड वॉश कर निकल यहाँ से। तो शुभ जो होती है ना, हाँ निकल, ये देख हालत देख मेरी कैसा हो गया, मेरा कपड़े वपड़े ऊपर गए मेरे, मैंने तो टाई भी नहीं पहनी है, पता नहीं टाई खाए। तो शुभू जो होती है ना उसने टाई भी ना वही रख दिया होता अपने हॉल में। तो यहाँ पर श्रुति जो होती है बोलती अच्छा रुको मैं लेके आती हूँ, तो हम बोले यार रुको रुको कहा तुम जा रहे हो उतने ऊपर जाऊँगी यार तुम रुको रुको रुको। तो यहाँ पर देखना शुभू जो होती है ना बोलते मैं ऐसे जाऊँ यार मैम मार डालेंगी मुझे, तो हम बोलते रुक ना यार तू कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ करती है, मेरी टाई निकालती मतलब खुद की टाई निकालती और उसके गले में डालती तो नॉट ऊपर कर लेती है, बोलती ले चलो गया चल निकल यहाँ से हैंड वॉश करके जाना ठीक है। तो यहाँ पर देखते कि हमारी जो शुभ जो होती है फिर बोलते अच्छा ठीक है ब्लेजर तो दे, तो हमारी अम्मा बोलते अरे यार ब्लेजर उठाएगी मैं ना टेंशन ना लेना ब्लेजर के बिना भी चल जा ऐसे चलता है ना। तो हमारी जो शुभ जो होती है ना बोलते अच्छा ठीक है, फिर जो लोग जो होते हैं ना वॉशरूम मतलब शुभ जो होती है ना वॉशरूम मेरा में चल जाती है, मैम देख लेती कि शुभ वॉशरूम में चली गई है। सब लोग ब्रेकफास्ट का मतलब लंच का टाइम होता है इसकी वजह से सब लोग अपने इसमें होते हैं क्लास में, तो यहाँ पर कोई खाली होता है सब कुछ। तो वह हमारी जो मैम जो होती है उसके साथ पीछे पीछे वॉशरूम में चले गए होते हैं। यहाँ पर जो मैम जो होती है ना फिर शुभ उससे पूछती है क्या हो गया शुभ सब ठीक तो है ना तुमने कुछ किया तो नहीं ना, तो मैम बोलती है ना उसको पूछती है मतलब टेंशन के मारे, तो हमारी शुभ बोलती क्या यार मैम आप मुझे क्यों गलत समझते हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बेचारी चुपचाप से ब्रेकफास्ट करी थी, उल्टा मैम ने मुझे अपना लंच भी नहीं करने दिया, मुझे बुला लिया 2 मिनट के अंदर आ जाओ। तो हमारी जो मैम बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है गुस्सा मत करो प्लीज़ समझो समझो समझो, मैम कुछ भी बोले ज़्यादा रिएक्ट मत करना बस हाँ में जवाब देना, और मैम ने जैसा बोला ना ऐसा सब कुछ कर देना, और अभी के अभी मैं सबको बुला लूँगी हम मैम के सामने परफॉर्म करके दिखा देंगे, अगर मैम को जो जो चीज़ पसंद आएंगे उसको रखेंगे और सबको फिर कट ऑफ करेंगे ठीक है। तो शुभ बोलते अरे यार मैम वो फिर हमारे क्लास को ही सबको निकाल देंगे देख लेना, तो मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है ना अभी फिलहाल इतना टेंशन मत लो जब का जब देखेंगे फिलहाल हाथ धो अपने। तो शुभ जो होते हैं ना अपने हाथ धोती है, और मैम जो होते हैं ना बोलते अच्छा ठीक है ये मेरी साड़ी का पल्लू लो और पोछ लो, तो मैम बोलती है ना उसको, तो हमारे शुभ बोलते नहीं मैम मैं ठीक हूँ आप टेंशन ना लें आपकी साड़ी है ना रिस्पेक्ट है यार ऐसा नहीं करते। तो शुभ जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता यार किसी की भी साड़ी से आप अपना हाथ पोछते ना ये मम्मी को सूट करता है, बट मैम होता ना एक टीचर होती है कि रिस्पेक्ट होता है तो नहीं। तो शुभ जो होती है ना नहीं पहुँचती है वहाँ पर बोलते अच्छा ठीक है मैम मैं चले जाती हूँ ना नहीं तो मैम मुझे मार डालेंगे, तो शुभ के पीछे पीछे हमारी मैम जो होती है चल जाती है बस मैम के कैबिन के बाहर होती है। और यहाँ शुभ जो होती है ना मैं कैबिन मैम बोल के चल जाती है, यहाँ पर देखते हैं कि इनकी जो बातें चलती हैं मैम और प्रिंसिपल मैम की और हमारे शुभ की, और इनकी बातें चलने के बाद हमारी जो शुभ जब निकलती है ना तो फिर हमारी मैम बोलती क्या होगा सब ठीक है ना, तो हमारी जो शुभ होते हैं बोलते मैम कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, मैं बोल रही थी कि अभी तक तुमने मुझे लिस्ट नहीं दी क्या कर रहे हो तरफ से, तो मैंने बताया कि सब लोग कोई अनप्रिपेयर थे इसकी वजह से हमने उनके सबकी प्रैक्टिस करवाई है। तो फिर मैम बोले अच्छा ठीक है तो अभी के अभी उन सबको बुलाओ मुझे देखना है कि तुमने कितना उनको सिखाया और कितना लोग सीख गए तुमसे, एंड अगर तुमने ज़्यादा बच्चों को नहीं सिखाया और किसी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर देख लेना मैंने क्या करना है, तो ऐसा बोला है। तो हमारी मैम बोलती लो जी हो गया से आपा चलो फिर सबको बुलाते हैं, फिर हमारी जो मैम बोलती है ना नहीं नहीं वो उन्होंने पहले सबको ऑर्डर दे दिया वो आंटी जी को बुला दिया उन्होंने, वो सबके क्लास में जाके बुलाएंगे और हमें भी अभी हॉल में पहुंचना है। तो हमारी जो मैम बोलती है अच्छा ठीक है फिर चलो, लोग जो होते हैं ना साथ में मैम और हमारी शुभ जो होती है ना बात करते करते ना वो पहुँच जाती है, वहाँ देखते कि सब बच्चे ऑलरेडी होते हैं ऑलरेडी मतलब उनको इतना ज़्यादा खौफ होता है उनकी मैम का कि बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ देखते प्रिंसिपल मैम के साथ भी है ना एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वहाँ के वो भी पहुँच जाते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं ऊपर साथ ही साथ जो होते हैं ना मैम के 2-4 है ना वो भी होते हैं जो कि आंटी जो उनके साथ रहते हो ना। तो यहाँ पर देखते सब लोग जो होते हैं ना प्रिंसिपल मैम मैम जैसे आते सब लोग जो होते हैं ना डिसिप्लिन में खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर मैथ्स वाली मैम भी बस चाह रही होती है कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, ये बस शुभ को डांटे ना सबके सामने क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लग रहा होता है शुभ के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है ना कहीं हट तो वो भी हो रही होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं मैम जो होती है ना प्रिंसिपल वाली मैम बैठ जाती है चेयर पर और बोलती है अच्छा ठीक है स्टार्ट करो, यहाँ पर शुभ की हालत ख़राब। शुभ जो होती है ना उनको पता होता है कि हमारे क्लास को ही निकालेंगे क्योंकि हमारे क्लास के उतने अच्छे डांसर नहीं होते, लेकिन क्या करें फिर लोग डांस स्टार्ट करते फिर हमारी जो शुभ जो होती है ना वो थोड़ा ना डांस करती है और मतलब अच्छे से डांस करती है क्योंकि यार उसको बस ऐसा था कि यार सिलेक्ट हो जाए सभी लोग। और यहाँ पर देखते हैं अम्मू जो होती है ना वो भी मतलब डर रही होती है कि उसको पता होता है कि यार ये तो सबके सामने अभी निकालने वाली है।
फिर भी वो बेचारी ऐसे तैसे करके लोग डांस करते हैं, फिर यहाँ देखते हैं कि हमारा सॉन्ग ख़त्म होता है। जैसे सॉन्ग ख़त्म होता है फिर मैम बोलती, वाह शुमू तुमने तो बहुत अच्छा सिखाया है, तुम्हारे क्लास वाले तो इतने एवन जैसे डांस कर रहे हैं, तुमने देखा नहीं उनका डांस कैसे करते हो, डांस ये सिखाया तुमने 3-4 घंटे से। तो हमारी शुभ बोलती, नहीं वो मैम वो ना वो प्रैक्टिस करने की है ना, इसकी वजह से वो उनको ज़्यादा उनका वो हाथ सही नहीं हो रहे। तो हमारी जो शुभ जो होती है ना वो ऐसा बहाना देती है, लेकिन प्रिंसिपल मैम ये क्या तुम बहाना, या 2 हफ्ते के अंदर तुम्हारी डांस की कंपटीशन है और तुम ये क्या बस प्रैक्टिस ही करवाऊँगे कि 2 साल तक इनसे, चलो निकालो इनको। तो बहुत सारे जो इनके क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको शर्मिंदा कर करके निकालती है, मुझे तुमको डांस करना नहीं आता कि बचपन से तुम क्या करते हो, ऐसा वैसा बहुत झाप देती है। सब लोग बोलते हैं यार मुझे क्या पता था कि मैं इनके स्कूल में डांस करने के लिए आने वाला हूँ, ऐसा होता था कि मैं DIT से पहले इनके क्लास में चल जाता था। ठीक है, आई बड़ी प्रिंसिपल मैम, कौन सी प्रिंसिपल मैम है यार, ऐसी कौन होती हैं यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा इनको डांस में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर जो सब लोग जो होते हैं सब जो कॉरिडोर में बातें बातें कर रहे होते हैं, फिर बेचारे अपना छोटा सा मुंह लेके चल जाते हैं, और यहाँ पर 10B वाले ना बहुत चिढ़ा रहे होते हैं उनको। ठीक है, लास्ट में ना बस सर से शुभु हमारी अम्मू श्रुति प्रीति होते हैं, ऊपर से ना 10B के बहुत सारे बच्चे होते हैं, और हमारी शुभ का मूड इतुजा हो गया होता है क्योंकि यहाँ से क्लास वाले कोई भी नहीं होते, बेचारी है ना बहुत ज़्यादा है ना ये हो रही होती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये होगा बच्चों के शॉर्ट लिस्ट मैंने करा दी, शुभ इनको प्रैक्टिस कराऊँगी क्या नहीं बता दो मुझे, या फिर मैं किसी और को बुला लूँ। तो बोलती नहीं नहीं मैम मैं करवा दूँगी। तो हमारी जो मैम बोलती अच्छा ठीक है करा लो जल्दी से, एंड मैं जा रही हूँ तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद क्लास में चल जाना, आज तुमने दिन भर से कुछ लेक्चर्स नहीं लिए ना, तुम जाके लेक्चर्स भी लेना, लास्ट के जो पीरियड बचेंगे तुम लेक्चर लेना ठीक है इस पीरियड के बाद। तो हमारी जो होती है ना सभी लोग हाँ हमें जवाब देते हैं, सब लोग चल जाते हैं, या मैथ्स वाली मैम भी जो होती है ना वहीं रुक जाती है, सब लोग चल जाते हैं। यहाँ पर हमारी शुभ इतना गंदा वाला फेज में होती है ना कि यार क्या यार इसको भी बस हमारे क्लास को निकालना था यार, देखा नहीं तूने, और हमारे 10B वाले कितना ज़्यादा चिढ़ा रहे थे यार, बहुत बुरा लग रहा है। तो मैम बोलती कोई बच्चों कोई बात नहीं ना बच्चों, तुम लोग हो ना तो तुम हमारे क्लास से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे यार, तुम डांस करें या फिर वो डांस करें बात तो एक है ना, तुम टेंशन ना लो फिलहाल, तुम बस अपने पे फोकस करो, तुम अच्छी प्रैक्टिस करो, एंड उससे भी ज़्यादा है ना मैं जीतना ही है मत बोलो ठीक है, अब कोई है नहीं है इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, तुम बस अपना 100% दे दो। तो मैम भी सेम बोलती है, तो हमारी देखते शुभ बोलते अच्छा ठीक है मैम बस ये टाइम को तो बस 14 मिनट बाकी है ना ये पीरियड ख़त्म होने के लिए, फिर हम क्या करें प्रैक्टिस कर करके थक गए। हमारी देखते 10B के जो बच्चे होते हैं ना वो पीछे साइड में अपने मोबाइल से ना अपने मतलब चालू हो जाता। तो फिर हमारे मैथ्स वाली मैम भी कुछ नहीं बोल रही होती क्योंकि थोड़ा सा वो मैथ्स वाली मैम ध्यान नहीं देती है उनकी तरफ, बस इनके साइड होती है। तो मैम बोलती कोई बात नहीं थोड़ा रिलैक्स कर लो, एंड हो सके तो थोड़ा सा अपने आप को चिल भी रखो यार, इतना भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर अम्मू बोलते हैं अरे मैम लेकिन कल तो संडे है ना, फिर कल कैसे संडे को भी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगी क्या, सबको बुलाना पड़ेगा। तो मैथ्स वाली मैम बोलती हाँ ना बाबा संडे है ना लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मैम ने तो बोला है मुझे कि यार संडे को भी प्रैक्टिस कराऊंगी और सब कुछ मुझे देखना, कोई भी नहीं आएगा सिर्फ मैं रहूँगी और एक मैम रहेंगी डांस वाली, एंड तुम लोग जो ना आज जो मैम ने सिलेक्ट किया वो रहेंगे, एंड हमें टाइमिंग दे दिया कि ये समय तक तुम हम ये समय तक ही डांस करते हैं, उसके बाद ना हमें घर जाना पड़ेगा। एंड बहुत स्ट्रिक्टली मैम ने बोला कि कोई भी इंसान एक्स्ट्रा मतलब बाहर का कोई आना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बच्चे आने को ना, एंड जो भी सिलेक्ट किया बस वही है तो वही बस। तो मैम जो होती है ना सबको बताती कि जो जो बच्चे आज सिलेक्ट हुए कल उनको आना है ये टाइम पे बता देती। फिर हमारी जो अम्मू बोलती है चलो यार मतलब संडे भी चलेगा, तो हमारी शुभ बोलती है यार मैंने तो वो कुछ किया ही नहीं है, उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया वो यार ओमेल्स पे, एंड उनकी फोटोग्राफी वगैरह कैसे करेंगे, ऊपर से तो हमने कुछ सामान जो खरीदे थे ना उनको भी देखना था, हमने तो अनपैक भी नहीं किया अभी तक। तो शुभ जो होती है ना वो टेंशन ले रही होती है कि उसको अभी ये जो पहले तो मसला हो गया होता है कि यार ये प्रैक्टिस, ऊपर से उसका जो खुद का जो पर्सनल प्रोफेशनल था ना वो भी बेचारी को है ना वो नहीं हो रहा होता है, तो वो भी थोड़ा सा टेंशन ले रही होती है कैसे मैं संभालूँ यार उसको। हम उसको बोलते हैं अरे यार फिलहाल तो उसके बारे में मत सोच, फिलहाल हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे शुभ बोलते हैं हाँ यार लेकिन वो भी ज़रूरी यार। तो हम बोलते ठीक है घर जाके कुछ देख लेंगे ठीक है, अभी फिलहाल रुक जा थोड़ा शांत हो जा, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो जो शुभ जो होते हैं ना बोलते अच्छा ठीक है रुक जा चल जाते ना क्लास में, ऐसे भी क्या करें यहाँ खड़े रह के पैर धो कर चल नीचे। तो हमारी जो शुभ जो होते हैं चल जाती है, यहाँ पर मैम जो होती है ना उनसे बात कर रही होती है, मैम को ध्यान नहीं होता कि लोग चले गए, उन्होंने बताया भी नहीं होता क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो यार क्या ही बताना ना, मैम को पता ही होगा क्लास में जा रहे लोग भी चल जाते। फिर यहाँ पर मैम जो होते हैं ना मुड़ के देखती, फिर देखते कि इन लोग नहीं है, तो मैम बोलती इन लोग कहाँ चले गए।
मैम देखते कि हमारी जो मैम जो होती है फिर उनके पीछे पीछे आती है, फिर देखते कि इन लोग जो होते हैं ना सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, तो मैम बोलती है अरे तुम लोग बता के नहीं जा सकते मुझे, तो सब लोग जो होते हैं ना रुक जाते हैं, सब लोग सॉरी बोलते हैं अरे मैम वो बस मुझे ऐसा लगा कि आपको पता है इसकी वजह से हम बताए नहीं सॉरी बोलते, तो मैम बोले रुको तो सही यार मैं भी तो आ रही हूँ ना, चले गए अकेले अकेले, तो इन लोग जो होते हैं फिर मैम के साथ आते हैं, मैम भी फिर चल जाती है इनको बाय बोल के, ये भी फिर बाय बोलते, फिर लोग अपने क्लास में चल जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि पहले से क्लास चल रहा होता है, फिर लोग जाते हैं फिर बैठ जाते हैं और लोग पानी पीते हैं, और यहाँ पर जो सब लोग जो होते हैं ना थक गए होते हैं, सबसे ज़्यादा तो शुभ और अमू और प्रीतिश्रुति बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं क्योंकि इन लोग बहुत ही जब ताबड़तोड़ प्रैक्टिस किए होते हैं इसकी वजह से, यहाँ पर जो मैम जो होती पढ़ा रही होती है पर इन लोग का तो ध्यान ही होता, ये बस मतलब सुन तो रहे होते हैं लेकिन ऐसा ना कोमा में जाके वाले पेशेंट जैसे सुन रहे होते हैं, इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी लिखने की, बट इन लोग जो होते हैं लिखते भी नहीं है क्योंकि मैम को पता होता है कि यार इन डांस करके आया था, हमारी जो शुभ वो भी कुछ बोलती नहीं, उसके बाद में बोलती है अच्छा ठीक है तुम लिख तो नहीं रहे हो लेकिन बाद में जरूर लिख लेना, तो सब लोग हाँ बोलते, फिर यहाँ देखते हैं लेक्चर खत्म हो जाते हैं इनका, देखते देखते जो होता है ना स्कूल का भी डे खत्म हो गया होता है, सब लोग जो होते हैं ना बैग भर रहे होते हैं एंड सब लोग जो होते हैं ना बस की तरफ चल जाते हैं, यहाँ पर शुभ वगैरह भी जाते और यहाँ मैम उनको देखती है, तो शुभ उनको बाय बोलती है, सब लोग फिर मैम की तरफ देखते हैं, मैम को थैंक यू बोलते हैं आज के लिए एंड मैम भी इनको बाय बोलती है, शुभ की तरफ देखते बोलते अच्छा ठीक है तुम लोग फिर जाओ कल आ जाना टाइम से, तो शुभ हाँ में जवाब देती है और बोलती है यार चलो फिर लोग ना मिलते कल, ऐसा बोल के लोग जो होते हैं ना बस में चल जाते हैं, और यह मैम जो होती है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज का डे हम उनका बहुत अच्छा गया होता है, क्योंकि आज वो सबसे ज़्यादा हमारी शुभ के साथ होती है ना, इसकी वजह से उनका डे बहुत अच्छा गया होता है, और यहाँ देखते कि हमारा जो शुभ का हाल होता है ना वही बस चल जाती है सो जाती है, क्योंकि बहुत थक गए होते हैं बहुत गंदे लेवल का थक गए होते हैं, लोग सो जाते हैं और यहाँ देखते देखते जो होते हैं ना सब बच्चे चले गए होते हैं, इनके बाद में लोग घर पहुँच जाते हैं, घर जाने बाद जैसे लोग घर जाते हैं वैसे हमारे शुभ जो होते हैं ना कौच पर पसर जाती है, उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि कुछ करें, हाँ सब लोग जो होते हैं अपने अपने घर में जाते हैं, उसके बाद में सब लोग जो होते हैं ना फिर ब्रेकफास्ट कर मतलब लंच करते हैं जो भी उन लोग को कुछ करना होता है, उसके बाद में हमारे शुभ भी उठती है, फिर वो भी कुछ चाय वगैरह बनाती पीती है एंड कुछ खाना खाती है कुछ सामान खाती है कुछ वेफर्स वगैरह खाती है, उसके बाद में ना हमारी अम्मू के घर जाती है, अम्मू फिर बस लेटी हुई होती है तो शुभ जाती है, अम्मू बोलती क्या हो गया इतना क्यों आ गई भाग के, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना था, तो शुभ बोलती अरे यार रेस्ट छोड़ यार देख यहाँ ईमेल्स भी ईमेल्स आ रहे, मैं मर जाऊँगी यार कुछ तो कर ले थोड़ा सा शर्म तो कर ले तुझे कुछ है ही नहीं यार मेरी कुछ परवाह, तो अम्मू बोलती अरे यार मैं खुद थक करूँ यार मैं क्या देखूँ, तो शुभ बोलती अच्छा जी सारे काम मैं ही करूँ है ना, तो प्रीतिश्रुति को है ना हमारी जो अम्मू जो होती है बोलती अच्छा ठीक है प्रीतिश्रुति को फ़ोन कर लें उनको बुला लें उनकी हेल्प कर लें, बोलती बेचारे यार जो डांस करे यार उनका भी हालत ख़राब होंगी, तो अम्मू बोलती नहीं हालत ख़राब होंगी फ़ोन कर घर के मेरे सामने रहते आ जाएंगे, तो फिर हमारे शुभ जो होते फ़ोन करते तो वो भी आ जाते, फिर हमारे शुभ जो होते ना सब बताते कि मुझे बहुत सारी ईमेल्स है तो मुझे हेल्प करूँगी क्या, फिर हमारे जो श्रुति और प्रीति जो होते ना उनकी हेल्प करा देते हैं, और ये लोग जो होते ना बहुत सारे ना चीज़ें देखते हैं कि हमारे जो शुभ जो होते बोलते चलो यार काम करते कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ना, जैसे कि हम सुबह में तो वहाँ रहेंगे ना रात में हम फ्री रहेंगे तो रात में हमें ना उनका कुछ शूट वगैरह कुछ कर लेंगे, और ज़्यादातर जो होते ना हमारे शुभ प्रीति और हमारी श्रुति लोग जो होते ना मदद कर रहे थे, अमू बस सुन रही होती अमू का बस उतना कुछ रोल नहीं होता, तो हमारी जो सब लोग जो होते हैं ना प्रीति श्रुति बहुत अच्छे से हेल्प कराते थे, शुभ का सब कुछ हो जा रहा होता मतलब सब कुछ तो टेंशन होता ना धीरे धीरे करके हमारी श्रुति प्रीति गायब कर देते हैं, लोग जो होते हैं ना रात का फिर प्लान बनाते हैं शूट का एंड जल्दी से जल्दी जो होता है ना लोग ख़त्म करने के बस चाह रहे होते हैं, यहाँ देखते हैं गाइस अम्मू के घर में ना हमारी जो मम्मी होती है ना अम्मू की तो उन्होंने खाना बना लिया होता है इन बच्चों के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग को बुलाते हैं मम्मी, फिर लोग खाना वाना खाते हैं अम्मू भी खाना खाती है और सब लोग खाना वगैरह फिनिश करने के बाद सब लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होते हैं, फिर हमारी अम्मू श्रुति को बोलते यार मैं तो बहुत थक गई हूँ मैं तो डायरेक्ट सो जाऊँगी, तो हमारी जो श्रुति जो होती है ना बोलती चलो फिर हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से, इन लोग फिर खाना वाना खाते फिर आंटी जी को बाय बोलते लोग सब अपने घर में चल जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग है ना सो जाते इतना ज़्यादा कुछ गए होते इसकी वजह से सो जाते हैं, और यहाँ देखते मैम का भी हाल वही होता है कि बेचारी रात सो ही नहीं होती इसकी वजह से खाना खाते हुए सो जाते, फिर नेक्स्ट डे होता है गाइस संडे आता है, जैसे संडे आते हैं इन लोग जो होते हैं रात मतलब इन लोग रात में इतना सोने के बावजूद हमारी शुभ श्रुति प्रीति अमू रात में सोने के बावजूद इन लोग ना सुबह के 11 बजे उठते हैं गाइस 11 बजे, उनके मम्मी पापा को तो पता नहीं होता कि इनको कॉलेज जाने, इसकी वजह से उठाते नहीं, उनको पता होता ना बच्चे बेचारे सो नहीं पाते इसकी वजह से उन लोग ना चल जाते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो शुभ जो होती है ना फिर उसकी आँखें खुलती हैं, जैसे आँखें खुलती अंगड़ाई लेती है हाय 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 ना अपने हाथ पैर को आकड़ के, और यहाँ पर देखते जब घड़ी में देखते 11 बज रहे थे उसकी भाई साहब वो इतने ज़ोरों से चिल्लाती बोलती कि यार शिट क्या हो गया, वो अम्मू को फ़ोन करते हैं अम्मू सो रही होती, फिर यहाँ पर हमारी जो शुभ जो होती है श्रुति प्रीति को फ़ोन करती है, फिर यहाँ पर वो भी सो रही होती तो अम्मू बोलती शिट शुभ बोलती अम्मू शिट 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 यार मेरे साथ ये भी
घोड़े बैठ के सो रहे यार, इनको उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लोग जो होते हैं ना, शुभ बार बार फ़ोन करते थे, यहाँ पर अम्मू भी उठ जाती है, श्रुति प्रीति भी उठ जाती है, बोलते क्या हो गया यार, सोने क्यों नहीं दे दिए, यार संडे। तो हमारे शुभ बोलते पागल इंसान, संडे की बच्ची, यहाँ देख टाइम देख, हम लोग लेट हो गए 1 घंटा, मैम हमें जिंदा चबा देंगी, जल्द उठो, जल्दी से उठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ, सब लोग उठो जल्दी की जल्दी। तो यहाँ पर हमारे सब लोग उठते हैं, गड़बड़ में देखते घटी तो देखते सही में बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है, 1 घंटा तो लेट हो गया होता है। मतलब फटाफट भागते वॉशरूम एरिया में, फटाफट फ्रेश होते हैं, यहाँ पर अम्मू जो होते हैं ना, श्रुति मतलब अम्मू श्रुति प्रीति सब जो होते हैं ना घर के सामने आ गए होते हैं, और हमारे शुभ भी गाड़ी लेके बस होती है, और श्रुति जो होती है ना वो अपनी बाइक की मतलब जो स्कूटी की चाबी जो होती है ना वो हमारी मतलब प्रीति के हाथ में देती है, प्रीति और अम्मू बैठ जाते हैं, यहाँ पर शुभ और हमारी श्रुति बैठे, इन लोग फटाफट कॉलेज के लिए रवाना होता है, इनका कॉलेज बहुत दूर होता है गाइस, मैंने जैसे बताया था ना बहुत दूर होता है। तो शुभ बोल के लो जी अब लेट हो ही गया तो अभी क्या ही मतलब है ना, वैसे तो हमको डांट खानी थी, वैसे और खा लेंगे, वैसे भी हमारा रोज का ही ना डांट खाना। तो हमारी जो अम्मू जो होती है ना, इनकी जो गाड़ी होती है ना गाइस साइड बाय साइड होती है, तो इन लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे, तो हमारी अम्मू बोलती हाँ यार ऐसे डांट खाने का तो सोचा नहीं था, लेकिन क्या करें अब डांट तो खाना ही पड़ेगा ना, एक काम करते चलो एक कुछ खा पी के चल जाते वहाँ पर, तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो अम्मू बोलती है ना चल यार कुछ एक कुछ रेस्टोरेंट में चल यहाँ से कुछ खा लेंगे। तो लोग फिर पहुँच जाते हैं एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर सब लोग ऑर्डर दे देते हैं, जहाँ पर हमारे शुभ जो होते हैं सबसे पहले है ना कॉफ़ी ऑर्डर करते, बोलते नहीं यार कॉफ़ी पीने, तो सब लोग फिर कॉफ़ी वगैरह चाय पीते, अपना ब्रेकफास्ट करते सुबह सुबह, एंड लोग जो होते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमारी शुभ पेमेंट कर देती है ना, यहाँ पर सब लोग जो होते हैं रवाना हो जाते हैं कॉलेज के लिए, कॉलेज दूर होता है जैसे मैंने बताया, फिर कुछ समय के बाद में कॉलेज भी आ जाता है, इन लोग को कुल मिला के 2 घंटा लेट हो गया होता है। और यहाँ मैथ्स वाली मैम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती गाइस, हद से ज़्यादा, क्योंकि मैम कैसा होता है कि यार ये इन लोग को सिखाना है, मुझे थोड़ा डांस करना आता है कि जो कि मैं इनको डांस करके सिखा दूँ, ये बेचारे बच्चे 2 घंटे पहले से आकर यहाँ पर इन लोग खड़े और ये जो मेन जो हमारे है कोरियोग्राफर वही नहीं आए, कैसे है ना, इन लोग बहुत गुस्सा कर रही होती है मैम। यहाँ देखते शुभ अम्मू जो होते ना स्कूल में पहुँच जाते, सब लोग जो होते हैं फिर बताते हैं मैम को, कॉरिडोर से सब लोग देख लेते कि शुभ और प्रीति आगे करें, शुभ अम्मू के सब आगे करें, मैम भी फिर भागती कॉरिडोर में, वो बोलती लो आ गया महाराज, अभी रुको इनकी खबर लेते, सब लोग जो होते ना वेट कर रहे होते, क्योंकि मैम जो होते ना अभी इनकी खबर लेने वाले होते, क्योंकि मैम को मेरा बहुत गुस्सा आ गया होता, क्योंकि मैम को पता होता है यार इनको पता होता है ना कि यार इनको ही सिखाना है, लेकिन ये लोग लेट आ गए। तो यहाँ पर सब लोग जो होते ना फिर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, स्कूटी पार्क करते हैं, और सब लोग जो होते ना भाग जाते हैं मैम के ना मतलब क्लासरूम के तरफ। यहाँ देखते हैं कि हमारी गाइस मैम जो होती है ना बहुत ज़्यादा खबल के होते, सब लोग को चिल्लाती हूँ कि तुम कुछ अक्कल वक्कल है, आप बेचारे 2 घंटे से बेचारे बच्चे यहाँ पर क्या, मैं इनको डांस सिखाती, तुमको पता था ना तुम लोग को डांस सिखाना है इनको, ऊपर से तुम ही लोग लेट हो, ऐसे कैसे लोग यार तुम लोग ऐसे कैसे सोके थे। तो यहाँ मैम जो होते ना सबको मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वाला चिल्ला रही होती, शुभ प्रीति सॉरी बोल रहे होते। फिर यहाँ पर देखते कि हमारी जो मैम जो होती है ना बोलते सॉरी मत बोलो, चुपचाप जाके इनको डांस सिखाओ, बेचारे 2 घंटे से खड़े यहाँ पर, हाँ तुम्हारे लिए बेचारे इन लोग सुबह से सुबह आ गए, और तुम लोग हाँ महाराजा हो ना तुम लोग, तो हमारे इधर के है ना आराम से आ रहे, चुपचाप डांस करो, डांस करके सिखाओ इनको, सॉन्ग लगा देते। फिर हमारी शुभ कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप डांस करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि बहुत गुस्सा मतलब मैम का देख रही होती है ना, क्योंकि सुबह सुबह बेचारी की गलती होती है, वो एक्सेप्ट भी करती है। और यहाँ पर मैम जो होते हैं ना फिर उनको बोलती चलो ठीक है डांस करो, इन लोग जो होते हैं ना शुभ अलग डांस स्टेप सिखा रही होती है, अम्मू अलग डांस स्टेप सिखा रही, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया होता है गाइस, इनको ऐसा था कि पहले कुछ हम लोग डिस्कस करें, लेकिन हमारी शुभ इतना ज़्यादा शौकी थी कि उसको अगर डिस्कस तेल लेने चले गया होता है। और यहाँ पर हमारी जो शुभ अलग स्टेप, हमारी मैम बोलती क्या हो गया तुम दोनों को, तुम लोग क्या स्टेप सीखे नहीं आए होंगे, तुम अलग कर रहे हो, हमारी अम्मू अलग कर रही, क्या बच्चे के अलग अलग डांस परफॉर्म करेंगे क्या। तो हमारी शुभ प्रीति के तरफ मतलब शुभ अम्मू की तरफ देखती है, और श्रुति भी हंस रही होती कि अरे आज गए आज इनको कोई नहीं बचा सकता। फिर हमारी शुभ बोली अरे नहीं मैम वो बस मैं ना कुछ से देख रही थी कि स्टेप बैठता है कि नहीं उस सॉन्ग में। तुम्हारी मैम बोलती क्या तुम लोग कल रात में क्या कर रहे थे, तुमने अपने डांस का कुछ किया भी नहीं है। तो शुभ बोलती नहीं मैं वो हमने किया है, वो बस मैं करके दिखाती हूँ आपको बताती हूँ। तो आप अम्मू जो होती है ना फिर बोलती है यार तो क्या कर रही है, मुझे तो बता दे कौन सी स्टेप के बारे में बात कर रही है। तो फिर शुभ जो होती है उसको इशारा करती है अरे यार वो वाली स्टेप नहीं क्या, वो वाली ऐसा ऐसा करना था उसके बाद में। तो बोलते अच्छा ठीक है वो वाली क्या, अच्छा ठीक है। फिर लोग जो फिर सॉन्ग जैसे लगता है ना फिर शुभ का देख देख के हमारी अम्मू फिर वो डांस को समझ में आ जाता है, वो भी डांस करती है। फिर हमारी जो शुभ जो होती है सबको सिखा रही होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 2 से 3 घंटा लोग ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते हैं गाइस। फिर मैम का भी थोड़ा सा गुस्सा रिलैक्स होता है हमारे शुभ को देख के ना, थोड़ा सा उसका बीपी नॉर्मल होता है। और यहाँ देखते हैं कि मैम बस थोड़ा फिर बोलते चलो ठीक है बच्चों अब थोड़ा सा कुछ खा लो तुम लोग।
और यहाँ पर शुभू, प्रीति, अम्मू और श्रुति जो होते हैं ना कॉरिडोर में होते, क्योंकि उनकी तो बहुत गंदी वाली लग गई होती है, ऊपर से उन्होंने कुछ लाया भी नहीं होता, भूख तो लग रही होती है, लेकिन क्या करें, वहाँ बेचारे खड़े होते हैं, हम बातें करते कर रहे होते हैं, तो बोलते चलो यार यहाँ खड़े रहने से क्या यार, इनको देखेंगे तो और भूख लगेंगे, चलो गार्डन में चलते, उसी गार्डन में तो कोई है ही नहीं, तो लोग जो होते हैं ना गार्डन के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर मैम जो देखती है ना कि यार इन लोग तो है ही नहीं, फिर मैम जो होती है ना इनके पीछे पीछे चल जाती है गार्डन एरिया में। यहाँ पर देखते हैं कि अम्मू जो होते हैं ना प्रीति हाथ पकड़ती है, और शुभू जो होती है ना मतलब श्रुति हाथ पकड़ती है एज अ फ्रेंड वाला, इन लोग पकड़ते, पीछे से मैम सब देख रही होती है, मैम की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अरे हाथ क्यों पकड़ा। यहाँ देखते हैं कि हमारी शुभू श्रुति जो होते हैं फिर एक जगह पे जाते हैं, और यहाँ पर हमारी शुभू जो होते हैं ना फिर वहाँ पर गार्डन का जो फ्लावर होता है ना बहुत ही प्यारा सा गुलाब वाला, मतलब इनके गार्डन के आसपास ना बहुत सारे ऐसे वैरायटी वाले फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं, विंटर में तो बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं ना वही, तो हमारी शुभू जो होते हैं ना तोड़ती, क्योंकि कॉलेज के डेज में तो मतलब स्कूल के डेज में तो कोई तोड़ने नहीं था, नहीं देता वैसे कोई नहीं था, इसकी वजह से तोड़ती है एंड वो हमारी श्रुति के मतलब श्रुति को देती है, तो हमारी मैम को बहुत बुरा लगता है कि यार उसने दिया। फिर हमारी जो मैम जो होती है ना वहाँ पर आती है, लेकिन कुछ बात नहीं कहती, वहाँ पर बैठ जाती है, तो सब लोग फिर देखते हैं कि मैम आई है, तो फिर मैम को जगह देती है, हमारी श्रुति जो होती है ना बोलती मैम आओ बैठो, मैम बैठ जाती है, लेकिन उसको अच्छा लगा होता है कि यार मैम उसने क्यों उसको फ्लावर दिया ना। फिर हमारी मैम बोलती वाह यार कितना खूबसूरत फ्लावर है ना जानबूझ के बोलते हैं, तो अम्मू जो होती है ना बोलती हाँ मैम बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पर देखते हैं कि शुभू जो होते हैं फिर एक और जो फ्लावर जो लगा होता है जो कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है वो तोड़ती है, और हमारी जो मैम को देखती है, मैम बोलती वैसे आपने क्यों तोड़ा मेरे लिए, तो जो शुभू बोलती नहीं बस ऐसे मैंने सोचा कि आपको पसंद आया इसलिए तोड़ के आपको दे दिया, तो नहीं लेना क्या, शुभू बोलते हैं ना उसको, तो मैम बोलती नहीं नहीं लेना है ऐसे तोड़ दिया है थोड़ा लगने वाला है ये तो मुझे, यहाँ पर शुभू जो होते हैं फिर दे देती है, मैम बोली चलो बहुत प्यारा फ्लावर दिया आपने मुझे, तो जो शुभू बोलते हैं हाँ जी मैम आपसे ज़्यादा फ्लावर लेंगे प्यारा नहीं है, तो मैम बोलती क्या मतलब मेरे साथ क्या बोला तुमने, तुम्हारी शुभू बोलते अरे नहीं नहीं जस्ट वो आपको ज़्यादा हमसे फ्रैंक कर रहे थे ना तो इसलिए कुछ मुँह कुछ ज़्यादा ही फिसल गया, मुझे सॉरी सॉरी सर और माफ़ कर दो, तो मैम बोलती अरे कोई बात नहीं मजाक कर रही थी मैं तुम्हारी टांग खींच रही थी टेंशन ना लो फ्रैंक ही रहो मेरे साथ। तो यहाँ पर श्रुति प्रीति भी थोड़ा सा ना चिल अप हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो ठीक है लोग बहुत सारी बातें करते, फिर मैम बोलती वैसे तुम कहाँ थे इतना लेट क्यों हुए, सब लोग बता रहे होते कि ऐसा ऐसा हो गया था, फिर मैम बोलती अच्छा जी मतलब तुमने कुछ खाया नहीं है मतलब कुछ लाया नहीं है, तो शुभू जो होती है बोलती नहीं मैम वो हम इतना मतलब जल्दबाजी में आ गए थे इसकी वजह से ब्रेकफास्ट भी हमने बाहर ही कर लिया, तो हमारी जो मैम बोलती अच्छा ठीक है चलो फिर कुछ खाने के लिए चलते, वैसे तो बच्चे है ही सामने चल जाते कुछ खा लेंगे वहाँ से, तो हमारी अम्मू बोलती अच्छा ठीक है फिर चलो। फिर यहाँ पर जो होता है ना लोग जो होते हैं फिर बोलते चलो मैम फिर हम आपको अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं, तो मैम बोलती नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पैदल पैदल चलो बाहर ही जाने वाले हम सामने ही हैं यहाँ से चल के भी जाएंगे तो आ जाएंगे, तो मैम बोलती अच्छा ठीक है चलो फिर सब लोग चलते हैं मैम के पीछे पीछे, और यहाँ पर देखते हैं ना उनके सामने कॉलेज के बहुत बड़ा कैफे होता है, और यहाँ पर जैसे जाते हैं ना तो यहाँ पर हमारे जो शुभू जो होते हैं फिर ऑर्डर दे देती है, मैम भी ऑर्डर देती है, सब लोग ऑर्डर देते हैं बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, और यहाँ पर जैसे ऑर्डर आता है वैसे हमारे सब लोग ना टूट फूटते हैं, मैम ने भी कुछ खाया नहीं होता सब लोग फिर खाते हैं, फिर अपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, और यहाँ पर हमारे जो शुभू जो होते हैं ना फिर लास्ट में पेमेंट करती है, लेकिन मैम जो होती है उसको रोक देती है कि नहीं नहीं मैं करूँगी, तो लेकिन शुभू जो होते हैं ना पहले पेमेंट कर दी होती है, उसको एक फ़ोन आ गया होता है इसकी वजह से वो मतलब एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया होता है ना उसको शूट के लिए, तो बात करने के लिए बाहर चले गए तो उसका हो भी गया होता है तो उसने मतलब पेमेंट कर दिया होता है, तो शुभू की जो मैम होती है बोलती यार तुमने गलत कह दिया तुम पेमेंट क्यों कह दिया मेरी तो मेरी सब सीट थी ना, तो शुभू बोलते कोई बात है ना क्या इसमें आपका मेरा करते हो हमारा है ठीक है टेंशन ना लो, ऐसा बोलती। फिर हमारी जो सब लोग जो होते हैं फिर बाहर में वहाँ जाते हैं कैफे एरिया, फिर गार्डन एरिया से चलते हैं वही उनको एरिया शॉर्टकट होता है इसकी वजह से लोग चलते, फिर सब लोग बातें बातें कर रहे होते हैं, मैम भी बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही होती है ना शुभू के साथ में, बातें बातें करके लोग पहुँच जाते हैं उनके हॉल में, यहाँ पर देखते सब बच्चे जो होते हैं ना बहुत प्यार मतलब प्यार तरीके से ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमारी जो सब लोग जो होते हैं ना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अम्मू भी सिखा रही होती है, शुभू जो होते हैं ना एक चेयर पे मतलब एक मतलब बेंच वाले टाइप पे जाके बैठ जाती है, उसी साइड में हमारी जो होते हैं ना मैथ्स वाली मैम भी बैठ जाती है, श्रुति प्रीति जो डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ पर अम्मू जो होती है ना वो भी सिखा रही होती है, यहाँ पर श्रुति जो होती है ना सीख रही होती है अच्छे से, और यहाँ शुभू जो होते हैं फिर मैम की तरफ देखती है, मैम बोलती क्या हो गया ऐसे क्यों देख रहे हो, तो शुभू बोलती वैसे आप कुछ अलग भी बिहेव नहीं कर रहे, जब से हमने आपको देखा तो आपका एक अलग ही था, लेकिन जब से आपके साथ रह रहे तो आपका एक अलग ही चेहरा दिख रहा है हमको जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, तो मैम बोलती वैसे मेरा चेहरा तो एक ही था लेकिन लोगों ने उसका चेहरा बहुत मतलब बेकार बना दिया था, टेंशन ना लो चलता है वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचे मुझे क्या लेने देना, तो मैम बोलती है ना बहुत अच्छे वे में बोलती है, तो हमारी मैम जो होती है ना वो बहुत फ्रैंक हो रही, तो शुभ बहुत ज़्यादा बातें बातें करती है उनके साथ में, हमारी शुभू मैम को बोलती है वैसे मैम मैं एक चीज़ बोलूँ मैम को, तो हमारी मैम बोलती है हाँ बोलो,
तुम्हारी शो बोलती, वैसे आपके आँखें बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यारे, झील भरी निगाहें आपकी। तो मैम जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा शर्माती है, बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, और हमारी शुभू भी ना बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। तो यहाँ पर हमारी मैम बोलती थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी इससे ज़्यादा तो आपकी आँखें बहुत प्यारी है। तो शुभ बोलती नहीं नहीं लेकिन आपकी प्यारी बहुत आँखें हैं, बहुत ही खूबसूरत है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इन दोनों और कितना ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।